किसान आदमी है, यहाँ पर 400-500 जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, जो रोज एक्सीडेंट हो रहा है। कई बार हम लोग प्रधान जी से कह चुके लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभय राशि मेरा नाम है, मैं बंगड़े और गुड़ेहुआ ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। यहाँ पर लगभग 300-400 जानवर छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जिनका प्रशासन कोई देखभाल नहीं कर रहा है। किसानों की हरी भरी फसल नष्ट हो रही है, उच्च अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है इस पर। जनपद बहराइच के विकासखंड फकरपुर के ग्राम पंचायत बौंडी सहित बौंडी न्याय पंचायत में छुट्टा जानवरों का आतंक। पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय बना जानवरों का अड्डा। बौंडी न्याय पंचायत में भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी किसानों को कर रहे गुमराह। फर्जी आश्वासन देकर नहीं कर रहे कोई कार्य। प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा छुट्टा जानवरों को गौशाला भेजने के लिए अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया जा चुका है, इसके बावजूद भी छुट्टा जानवरों को पकड़ने के लिए नहीं की जा रही कोई कवायद। छुट्टा जानवरों के आतंक से भयभीत हैं किसान। सैकड़ों की संख्या में छुट्टा जानवर रामलीला मैदान में एकत्रित रहते हैं। पास में बने कन्या जूनियर हाई स्कूल के बरामदे में बैठते हैं, जिसके परिसर पूरी तरह से गंदा हो जाता है। सुबह विद्यालय खुलते ही घंटों की साफ सफाई की जाती है, जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य भी बाधित होता है। उधर किसानों के द्वारा लगाई गई फसल बचाने के लिए किसान रात भर रखवाली करता है, उसके बावजूद भी जानवरों के झुंड आकर फसल को चटकर जाते हैं। किसानों के द्वारा लगाई गई गाड़ी कमाई फसलों को तैयार करने के लिए लगाई जाती है, उसकी भरपाई करने के लिए किसान दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। किसान खेतों की रखवाली रात भर जाकर करता है, तथा भेड़िए के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गागरा के कछार से भेड़िया के आने का खतरा बना रहता है, जान जोखिम में डालकर किसान खेतों में रखवाली कर रहे हैं। मैं पंकज सिंह बौंडी का निवासी हूँ, बखरपुर विकास खंड मेरा है। यहाँ बौंडी में इस समय छुट्टा जानवरों का आतंक इस तरह है कि हम लोग किसान आदमी इतना परेशान है कि हमारी पूरी फसल नष्ट हो जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। लगातार 20 दिनों से हम बखरपुर के खंड विकास अधिकारी को भी सूचना देते हैं, यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी दीनानाथ मिश्रा को मिल करके कई बार हमने बताया है, उनको सूचित भी किया है, फ़ोन भी किया है, लेकिन फ़ोन उनका नहीं उठता। सामने मिल करके भी बताया है लेकिन वो यही कह रहे हैं कि पकड़वाया जाएगा। आखिर कब पकड़वाया जाएगा? जब मेरी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, बच्चे रोड पर आ जाएंगे, क्या करें हम लोग? एक तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हमारे यहाँ कहीं मगरमच्छ का दहशत बना हुआ है, और इस समय भेड़िए का आतंक इस समय इतनी जोरों से चल रहा है कि हम लोग क्या करें? किसान अगर रात में अगर हम लोग जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ करके, बच्चों को बचाएं या खेत बचाएं? खेत बचाने के लिए अगर हम जाते हैं, हमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सेक्रेटरी के यहाँ के इतने लापरवाह हैं ग्राम विकास अधिकारी की कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं करते हैं, सिर्फ फर्जीवाड़ा करके अगर कोई सूचना भी देता है मुख्यमंत्री पोर्टल पर तो उनका जो है झूठी रिपोर्ट लगाकर वो खाना पूर्ति कर देते हैं। कोई भी कार्य धरातल पर ग्राम विकास अधिकारी बौंडी के न्याय पंचायत का नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसे ही चलेगा? मुख्यमंत्री के आदेश को सीधे धोखाधड़ी और पलीता दिखाने का कार्य यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी दीनानाथ मिश्रा का है।